चलिए आज ऐसी रेसिपी बनाते हैं जिसमें ज़्यादा सामान नहीं लगे, खाने में टेस्टी हो, जल्दी बनने वाली हो और थोड़ा ट्रेडिशनल और ट्रेंडी मिठाई का कॉम्बिनेशन हो। तो चलिए बिना देरी के फटाफट इसे बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले एक पैन में 1 टेबलस्पून घी डालें, इसमें 1/4 कप सूजी डालें और 2-3 मिनट मीडियम फ्लेम पे लगातार चलाते हुए हल्का कलर चेंज होने तक भून लें। तो सूजी हल्की भुन गई है, सूजी का कलर ज़्यादा डार्क नहीं करना है, बस हल्का कलर चेंज हो और खुशबू आने लगे तब गैस की फ्लेम को लो कर दें और इसमें डालें 1/2 कप डेसिकेटेड कोकोनट और 1 मिनट हल्का भुन लें। फिर इसमें 1/4 कप चीनी डालेंगे, चीनी डाल करके मिला लें। फिर इसमें 1/3 कप दूध डालें और अब इस मिक्सचर को लगातार चलाते हुए गाढ़ा होने तक पकाएं। इसमें आप चाहें तो 1/4 कप मिल्क पाउडर भी डाल सकते हैं या फिर 1/4 कप मावा भी मिला सकते हैं, और मावा भी नहीं हो तो मलाई भी मिला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इस रेसिपी को मैं बिना मिल्क पाउडर, मावा और मलाई के बना रही हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़रूरी नहीं है सबके घर में अवेलेबल हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो बिल्कुल सिंपल तरह से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं, तब भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। लेकिन मिल्क पाउडर, मावा, मलाई मिलाने से इसका टेस्ट थोड़ा सा और रिच हो जाएगा। तो आप देखेंगे मिक्सचर गाढ़ा हो गया है, अब गैस को बंद कर दें और इसमें डालें 1/2 चम्मच इलायची पाउडर, इसे मिक्स कर लें। आप चाहें तो इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी मिला सकते हैं, तो हम इसमें दरदरे पिसे हुए 1-1 चम्मच पिस्ता, काजू, बादाम मिला रहे हैं, इन्हें मिक्स कर लेंगे। तो अब ये मिक्सचर बिल्कुल तैयार है। अब जिस कंटेनर में बर्फ़ी जमाना चाहते हैं इस मिक्सचर को हम उस कंटेनर में निकालेंगे और इस मिक्सचर को कंटेनर में फैला लेंगे और ऊपर से थोड़ा सा प्लेन कर देंगे। तो फर्स्ट लेयर तैयार है। अब सेकंड लेयर के लिए हम 8 पीसेस बिस्किट्स के ले रहे हैं। आप कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, जो भी आपके पास में अवेलेबल हो वो बिस्किट लें, ग्राइंडर जार में डालें, उसे ग्राइंड कर लें और एक बोल में निकाल लें। फिर इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच दरदरे पिसे हुए काजू, 1 चम्मच दरदरे पिसे हुए बादाम, 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी और 1 टेबलस्पून कोको पाउडर, इन्हें मिक्स कर लें। फिर बाइंडिंग के लिए इसमें थोड़ा सा दूध डालेंगे, तो थोड़ा थोड़ा करके दूध डालना है ताकि मिक्सचर गीला नहीं हो। तो यहाँ पर हमने 5 चम्मच इसमें दूध डाला है और इस तरह का मिक्सचर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को ट्रे में निकालें और ऊपर से फैला लें। ऊपर से इसको हमें प्लेन कर लेना है। फिर इस ट्रे को 15-20 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें ताकि बर्फी सेट हो जाए, और 15-20 मिनट बाद में ट्रे को फ्रीजर से निकालें और बर्फी को कंटेनर से निकाल लें। अब इस बर्फी के हमें पीसेस कट करने हैं, तो यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर शेप में कट कर रही हूँ। तो देखिए बर्फी तैयार है। इसको थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग लुक देने के लिए एक छलनी से पिसी हुई चीनी इन पीसेस के ऊपर बिखेरें। फिर अगर आपको लगता है कि पीसेस पे थोड़ी चीनी ज़्यादा है तो टिश्यू पेपर से थोड़ा सा इसको साफ कर दें। फिर मेल्टेड चॉकलेट को पाइपिंग बैग में भर करके ऊपर से इस तरह से डिज़ाइंस बना लें। तो लीजिए 2 लेयर्स में बर्फी बनकर के तैयार है, खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें और अगर पसंद आए तो कमेंट करके हमें अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। साथ ही वीडियो को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसे अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर भी करें। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ अगली बार, और तब तक के लिए ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।